हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश एंड वेलकम बैक ऑन प्रधान विंग्स। एक्चुअली दोस्तों, हमारे कुछ ग्रुप मंडली फ्रेंड मंडली बैठी हुई थी, उसमें हम लोग जो है पंचायत चल रही थी। पंचायत में एक फ्रेंड ने तालिबान और अफगानिस्तान वाला मैटर उठा दिया। अब उस मैटर में क्या हुआ कि उसने ऐसा जताया कि तालिबान जो है एक अलग की कंट्री है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। अब मैंने वहां डायरेक्टली नहीं बोला, वो मेरी वीडियो देखता है, वो वीडियो देख के समझ जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है ये कि तालिबान है क्या, अफगानिस्तान से इसके रिलेशन कैसे रहे, क्यों रहे ऐसा, फिर अमेरिका की फौज वहां क्या कर रही थी, उसने वापस क्यों बुला लिया अमेरिका ने अपनी फौज को, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। बहुत सिंपल वे में हम जानेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। चले शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, बस चैनल को आप करना है सब्सक्राइब। गाइस, पहले तो बात करें कि तालिबान है क्या। तालिबान कोई कंट्री, कोई स्टेट, कोई कैपिटल ऐसा कुछ नहीं है। तालिबान एक मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन। सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन मतलब कि इसमें जो है सुन्नी इस्लामिक ही जो है इसका आधार था, बेस था। इसके अलावा इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन भी इसको कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है, तालिबान में तालिब का मतलब होता है विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थियों का एक समूह, झुंड। जैसे कि हमारे यहाँ छात्र आंदोलन, छात्र संघ होता है, वैसा ही कुछ। लेकिन हमारे यहाँ जो छात्र संघ होता है वो देश के हित में होता है, देश के विकास के लिए होता है, स्टूडेंट की शिक्षा के आगे की बढ़ोतरी के लिए, ऐसा बहुत कुछ जो है वो हमारे देश के सारे नियमों को पालन करते हुए, हमारे देश का सम्मान करते हुए वो जो है आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देश को उजाड़ने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए और भी बहुत कुछ, इसीलिए ये आंदोलन बनाए गए थे। उसके बारे में अभी आगे चल के बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये जो तालिबान है, तालिबान मूवमेंट या तालिबान, ये इसका जो है उदय कहां से हुआ, कहां से ये स्टार्ट हुआ। इन शॉर्ट बताऊं दोस्तों, तो क्या हुआ था कि 1978 की बात है, 1978 की बात है, जब रूस जो है अफगानिस्तान पे अटैक कर चुका था। रूस और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी। रूस पहले से ही हाईटेक हथियारों का यूज करता था। अब ऐसे में अफगानिस्तान कमजोर पड़ रहा था और रूस जो है जल्दी जल्दी अफगानिस्तान के कई इलाकों को कब्जा कर चुका था। और ऐसा लग रहा था सभी को देखने में कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया ना तो रूस जो है अफगानिस्तान को कब्जा कर लेगा पूरी तरह से, अफगानिस्तान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अब ऐसे में रूस और अमेरिका की आज भी दुश्मनी की लोग मिसालें देते हैं। दुश्मनी से मेरा मतलब यह है कि वो अपने आप को सुपर पावर कहता है और ये अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन जो भी हो यूनेस्को का लीडर तो आखिर अमेरिका ही है। तो उस वक्त जो है ये दुश्मनी कह लीजिए या कह लीजिए कि थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तान की मदद ली। अफगानिस्तान की मदद करना चाहता था तो उसने पाकिस्तान की मदद ली। अब पाकिस्तान की मदद इसलिए ली दोस्तों क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पास में है, और अगर पाकिस्तान की मदद लेता और बोल देता कि पाकिस्तानी जाएं अपनी आर्मी को अगर भेज देता अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान मिलकर दोनों रूस का सामना करते, तो ऐसे में जीत की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा ही हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि अमेरिका ने बोल दिया, उस वक्त वहां के राष्ट्रपति थे जॉर्ज विलियम बुश, उन्होंने पाकिस्तान से बात करी। तो पाकिस्तान जो है हम सभी जानते हैं पहले से और आज भी वैसा ही है, हमेशा से फट्टू रहा है और रहेगा। एक्चुअली ये कभी भी सामने से अटैक करता ही नहीं है। अब पाकिस्तान को लग गया डर कि अगर हमने अटैक कर दिया डायरेक्टली तो रूस हमारा दुश्मन बन जाएगा। अब मान लो यहाँ पे अगर हम जीत भी गए तो फिर कभी अगर हमारे पे रूस अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे में ये फट्टू तो है ही। अब इसने क्या किया कि कुछ लोगों का एक समूह इकट्ठा किया, ग्रुप इकट्ठा किया, जिसमें कुछ पाकिस्तान के ऑफिसर्स भी थे, कुछ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग थे, मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें जिहादी की शिक्षा दी गई। जिहादी की शिक्षा दे करके उनको पूरी तरह से ट्रेन करके बता दिया गया कि नहीं, हमारी आर्मी तैयार है, अमेरिका को बता दिया गया। अब अमेरिका ने क्या किया कि हथियार और जो पैसा, आर्थिक मदद जो देना था उसने पैसा भेज दिया, आर्थिक मदद भेज दिया, हथियार भेज दिया कि लो भाई अब जाके युद्ध करो। अब वो जो है पाकिस्तान ने तालिबानियों को बोला कि आप जाओ अब अफगानिस्तान के साथ मिल करके रूस के खिलाफ युद्ध करो, रूस को हरा दो। तो अब जो है तालिबान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर रूस का सामना कर रहे थे। अब रूस जो है कमजोर पड़ने लगा था क्योंकि अमेरिका के हाईटेक हथियार तालिबानियों के पास थे पहले से। अब रूस जो है कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में बहुत सारे मुस्लिम देश जो जिसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी आई, वो भी जो है अपने आर्मी को भेज दिया कि जाओ भाई तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा हाथ साफ करके आओ। अब ऐसा लग रहा था कि रूस तो हार जाएगा। अब रूस को ऐसा लगा कि या तो हट लो यहां से, अगर नहीं हटे ना, अगर जबरदस्ती कर रहे हैं, अगर नहीं हटे तो जो मेरा एक्चुअल रूस है, जो मेरा कंट्री है, वो भी सब ये हड़प लेंगे, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब ऐसे में रूस ने जल्दी जल्दी अपना जो है बोरिया बिस्तर लपेटा, जितना इलाका इकट्ठा कब्जा किया था सब उठा के भाग गया, वहां से निकल लिया, वहां से छोड़ छाड़ के। तो ऐसे में अफगानिस्तान पूरी तरह से बच गया।
अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा श्रेय था वो तालिबानियों को ही था, क्योंकि तालिबानियों ने बहुत डट कर हमला किया, सामना किया। अब ऐसे में बहुत सारे तालिबानी मरे भी, तो ऐसे में इनके कुछ दो इनके अध्यक्ष हुआ करते थे, एक मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन, ये दो अध्यक्ष थे उस वक्त। इनकी बहुत बड़ाई करी गई, उस वक्त बहुत सम्मानित किया गया, ये 1978-79 की बात है, बहुत सम्मानित किया गया उस वक्त, तो ये लोग फुले नहीं समा रहे थे। अब बात वहीं पर तालिबानियों की हो गई कि खत्म, बस अब हो गया, जो मूवमेंट जो इसका उद्देश्य था, जो इसका ऑब्जेक्ट था, वो तो ऑब्जेक्टिव था, वो तो कंप्लीट हो ही गया। अब ऐसे में हुआ गया कि तालिबान का अंत हो गया। लेकिन फिर ये 1994 में इसने फिर से जो है फन अपना उठा लिया तालिबानियों ने, और इनका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, इन्होंने चेंज कर दिया। अब इसमें इन्होंने चेंज किया, कहा कि पार्स की मानवाधिकार के लिए जो है हम लड़ेंगे। पार्स जो है एक वहां की जाति है, वहां की एक मुसलमानों की एक अलग सी जाति है, मैं क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन वहां की एक अलग सी एक जाति है, उनके मानवाधिकार के लिए वो एक उन्होंने बोला कि ये तालिबान संगठन जो है काम करेगी, ये बंद नहीं होगी, और वो लोग जो है गुट इकट्ठा करते गए। अब चूंकि इन्होंने ये इनका जन्मदाता पाकिस्तान था और अफगानिस्तान की इन्होंने मदद करके रखी थी, तो यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह इनका दबदबा बराबर बराबर था। तो पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे अफगानिस्तान में भी कुछ लोगों को इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया, और 1996 में अपने रुतबे में आ गए ये लोग। रुतबे से मेरा मतलब है कि ये लोग जो है अफगानिस्तान में जो आज के टाइम में जिस तरह कवर किए हैं ना, उसी तरह 1996 में ये लोग जो है बहुत सारे इलाकों को कब्जा कर चुके थे अफगानिस्तान के। अब अफगानिस्तान लग रहा था कि ये तालिबानियों के हाथ में ही चला जाएगा पूरी तरह से। दोस्तों 1996 से 2001 तक काफी हद तक जो है तालिबानियों ने आतंक अपना मचाया, जितना भी बौखलाहट में थे, जितना भी काम करना था उल्टा उल्टा फुल्टा इधर उधर का सब कर चुके थे। तो 2001 में क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम गिराया गया, अटैक हुआ। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है, और अमेरिका में जैसा मैंने बताया था विलियम बुश थे वहां पे राष्ट्रपति। अब ये जो बम गिरा था, अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करी गई अमेरिका द्वारा, तो पता चला कि इसमें जो है तालिबानियों का हाथ है, और तालिबानियों में इसके प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ है। अब ऐसे में वहां के विलियम बुश थे राष्ट्रपति, उन्होंने सीधे सीधे तालिबानियों से कहा कि ऐसा है कि आप अपने प्रमुख यानी कि ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो। लेकिन वहां के तालिबानी जो थे, अफगानिस्तान के जो तालिबानी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम किसी को हवाले वाले नहीं करेंगे, आप सबूत दिखाइए, कोई पुख्ता सबूत दिखाइए जिससे ये प्रूव हो सके कि उस हमले में मेरे जो प्रमुख हैं उनका हाथ है। अब ऐसे में अमेरिका ने कहा कि हमको यहाँ पे जज वगैरह तो है नहीं, कि हम कोर्ट खोल के तो रखे नहीं है कि हम यहाँ पे, उन्होंने सीधा मना किया, कहा कि ठीक है बेटा पछता हो गया। उन्होंने फटाफट आर्मी भेजी, हाईटेक हथियारों से लैस आर्मी भेजी अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनका यही दो इलाका था, तो इन्होंने अफगानिस्तान में भेजी, क्योंकि अफगानिस्तान में ये लोग ज्यादा थे, इसलिए अफगानिस्तान इन्होंने सेना भेजी, और यहाँ पर अटैक शुरू हो गया। अब ऐसे में बहुत घमासान युद्ध हुआ, और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कह दिया था साफ साफ कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म का जो है पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, ये चम्मरवाद जो है ये बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और लगातार जारी रहा, और काफी हद तक जो है लगभग समाप्ति कर दिया गया, काफी तालिबानी खत्म हो गए, लगभग तालिबान आंदोलन तो खत्म ही हो गया, तालिबान तो खत्म ही हो गया। अब युद्ध जब शांत हो गया, तो ऐसे में अफगानिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि दोस्तों भाई जिस कंट्री में युद्ध हुआ हो, जिस देश में युद्ध हुआ हो, वहां बम गिरा, बारूद गिरा, बिल्डिंग गिरी, बहुत नुकसान हुआ होगा जनधन की उस कंट्री को। अमेरिका तो बस घुस गया अपनी सेना को लेकर के, अफगानिस्तान को तो बहुत नुकसान हो गया। लेकिन ये था कि तालिबानियों का अंत हो गया था लगभग, लेकिन अभी भी ओसामा बिन लादेन उन्हें मिला नहीं था। और दोस्तों अमेरिका की पूरी तरह से जिद थी कि ओसामा बिन लादेन जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक हम जो है छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी सेना भी वहां तैनात रहेगी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अफगानिस्तान को बहुत नुकसान हो गया था इस युद्ध में, इस वार में। अब इस वार में जब इतना नुकसान हो गया था, तो अफगानिस्तान की सेना भी बहुत त्राही त्राही कर चुकी थी, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी। अब ऐसे में वहां की अमेरिका की जो सेना थी, वो वहां पे ढाल बनकर खड़ी थी। अमेरिका की सेना इसलिए तैनात थी वहां पर, क्योंकि उसको ओसामा बिन लादेन चाहिए था, अमेरिका को ओसामा बिन लादेन चाहिए ही चाहिए था, और ओसामा बिन लादेन ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में जाकर छिपा हुआ था। अब ऐसे में बहुत ढूंढा गया, लगभग 2011 की बात है, जून वगैरह में 2011 की बात है, ओसामा बिन लादेन हाथ में लग गया। जब वो मारा गया ना, जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो अमेरिका को जो है ठंडक मिल गई।
अंदर से। अब जब अमेरिका को ठंडक मिल गई तो अब ये हुआ कि जो हमारी ये फोर्स वहां पर तैनात है वहां पर क्यों तैनात है, वापस बुला ली जाए, क्योंकि अमेरिका ने तो अपने मतलब से भेजा था वहां पर, ये उसामा बिन लादेन को मारना था और तालिबान का अंत करना था, तो उसने तो मतलब के लिए भेजा था। तो अमेरिका ने सोचा कि अब ये जो फोर्स हमने भेज के रखी है वापस मंगा लें, बुला लें, बात खत्म उसकी। तो बराक ओबामा उस वक्त राष्ट्रपति थे, व्हाइट हाउस से उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए ये भी उसी समय इन्होंने कह दिया था कि हम अपनी जो फोर्स है वो वापस बुला लेंगे अफगानिस्तान से। लेकिन वहां पर क्या हुआ ना कि वहां की अभी 2001 में युद्ध हुआ था तो इतने ज्यादा वो संभले नहीं थी वहां की आर्मी, तो ऐसे में उनको वापस बुलाना उचित नहीं था, क्योंकि एक यूनेस्को का लीडर भी था अमेरिका और सुपर पावर भी था, तो उसको वापस बुलाने में मतलब ये हो जाता कि लोग उसको जो है दूसरे हे दृष्टि से देखते, नीची दृष्टि से देखते कि कैसा अमेरिका है बताओ, किसी को परेशानी में छोड़ के चला गया। तो ऐसे में अमेरिका ने पूरी सेना नहीं बुलाई, थोड़े थोड़े करके बुलाई। अब उसने प्लान बनाया था कि 2011 में मैं बुला लेता हूँ 30%, 2012 में बुला लूंगा 35%, 2013 में 50%, और जब 2014 आएगा ना तो पूरी तरह से अफगानिस्तान की सेना को सौंप करके अफगानिस्तान वापस चले आएंगे। ऐसा प्लान बनाया था, लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बुलाया भी, लेकिन कुछ हद तक सेना अभी भी वहां पर तैनात थी। और वही सेना जो आज है 2021 15 अगस्त को जो है वापस बुला ली गई, और यही डेट था जब जो है तालिबानियों को, तालिबानी इंतजार कर रहे थे इसी डेट का, और इसी डेट का फायदा उठा के जैसे ही वहां की अमेरिका की आर्मी हटी वो लोग तुरंत जो है हावी हो गए अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान पे इतनी बुरी तरह से हावी हो गए कि काबुल वगैरह जो उसकी मेन राजधानी थी वो भी जो है कब्जे कर ली गई। स्थिति तो इतनी बुरी हो गई कि अशरफ गनी जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं वो भी वहां से भाग गए, हालांकि उन्हें भागना नहीं चाहिए था, जनता के साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो भाग गए वहां पर। अब यहीं से जो है मैटर प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि अब पूरी तरह से जो है अफगानिस्तान तालिबानियों के हाथ में लग चुका है, इनके अलग ही नियम कानून है, ये अलग ही तरीके से सजा अपना ही सजा करते हैं, अपना ही सजा लेके चलते हैं, कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी मतलब कि जो अपने नियम को बनाता है उसी पे कायम रहता है, कोई और नियम नहीं मानता है, इनका अपना ही नियम है, अपना ही सजा देने का प्रावधान है, अलग ही ये लोग दुनिया में रहते हैं, और फालतू फालतू के सारे नियम। बाइडेन ने कहा कि जो हमारे सेना आप अपने सेना के नेतृत्व करता है राष्ट्रपति है वही भाग गए, तो हम अपनी सेना को क्यों झोंकें उस अमेरिका में, अमेरिकी सेना को हम क्यों झोंकें वहां मरने के लिए, हम तालिबानियों से लड़ेंगे तो हमारे भी कुछ सेना मरेगी ना, खत्म होगी ना, तो हम क्यों भेजें जब आपकी सेना के नेतृत्व करता है यानी कि राष्ट्रपति ही भाग गए वहां से डर के, तो हम अपनी सेना को क्यों झोंकें, ऐसा उन्होंने बात कर रही थी। अब ये कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई जब 2001 में युद्ध हुआ था तब तो तुम पूछ के नहीं गए थे, 2001 में सब शांति था माहौल, आप जबरदस्ती घुस गए अफगानिस्तान में और तालिबानियों से आप युद्ध कर बैठे, इस तरह तो अफगानिस्तान की ही जमीन पर तो तुमने युद्ध किया था, तो अफगानिस्तान की जमीन पर युद्ध किए थे तो अफगानिस्तान को तो कितना नुकसान हुआ था, तो उस वक्त वो इस नुकसान अभी रिकवर हुआ नहीं और आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो यही प्रॉब्लम दोस्तों शुरू हुई थी, और ये बाइडेन के अनुसार ये था कि 3 लाख वहां पे आर्मी को जो है हम ट्रेन किए हैं, 3 लाख आर्मी को जो है ट्रेन कर दिया गया है, लेकिन ये अगर ट्रेन कर दिया होता तो ये समस्या ये चीज देखने को मिलती ही नहीं, ट्रेन नहीं था। अब दोस्तों यहीं से जो है कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, अब आप इसको गलती समझ लें अमेरिका की, या बेवकूफी समझ लें, या समझदारी समझ लें, या कह लें कि ये तो भाई लिखा ही था, तो वो आप पे डिपेंड करता है। यही फुल स्टोरी थी इसकी, फुल स्टोरी मैंने कवर कर दी है छोटे छोटे पार्ट्स में। वेल वीडियो इतनी ही थी, आपको अच्छी तो लगी ही होगी, नहीं लगी होगी तो कोई बात नहीं, लगी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, मैंने कोशिश करी है बहुत छोटे छोटे में समझाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।